Next question. Question says a ball is dropped from a height of 10 meter. If 40% of its energy is lost on collision with the earth, comma, then after collision, ball will rebound to a height of option say 10 meter, 8 meter, 4 meter, 6 meter. Now, अपना scenario ये है कि एक ball आपकी यहाँ से let's say इस height तक h height से अपने को h naught कह लेते हैं जो अपने को 10 meter दी हुई है यहाँ पे आपके ग्राउंड पे हिट किया है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है कोलिजन ऑफ जब हुआ है आपका कोलिजन तो कोविशन और रेस्टिट्यूशन आपका ई है उसके बाद ऑन द वेरी सेम लाइन ये बॉल आपकी हाइट राइज की है लेट से एच वन राइट नाउ ये बात अपने को पता है कि अगर मान लो किसी एक बॉल ने थ्योरी में हम इसको कवर कर चुके हैं किसी एक बॉल ने अलॉन्ग LOC आपका यू वेलोसिटी से हिट किया है सो आफ्टर हिटिंग इट विल राइज विद द वेलोसिटी ऑफ EU सो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सो विद दैट नॉलेज अच्छा एक चीज़ और है हाइट जो आपकी राइज होएगी उसको हम लिखते हैं ई स्क्वायर एच एच आपकी ओरिजिनल हाइट है और एच वन जो आपकी हाइट होगी उसको हम लिखेंगे ई स्क्वायर एच नॉट राइट सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं आपकी है हाफ एम यू स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यू है आफ्टर कोलिजन ई यू हो जाएगी सो ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम ई यू स्क्वायर इन दोनों का रेशियो जो है वो अपने को दिया हुआ है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आपकी 40% लॉस हो गई यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू 60% ये आपकी एनर्जी रह जाएगी नाउ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उस तरफ ले जाएं सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम 3/5 जीरो कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू 3/5 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सो अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल की यहाँ ये वैल्यू रख दें सो वी कैन से हाफ एम ई स्क्वायर यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/5 हाफ एम यू स्क्वायर ना हाफ एम यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सो आपकी ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/5 राइट ये अपनी इक्वेशन नंबर वन हो गई लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन ये ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई सो आपका जो एच वन होएगा हाइट जो यहाँ पे राइज करेगी दैट विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर एच नॉट सो आपका एच वन जो है दैट विल बी इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट अपने को 10 दिया हुआ है सो एच वन विल बी इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच विल बी 6 मीटर हैंस ऑप्शन नंबर 4 6 मीटर वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया